इंदौर किशनगंज थाना क्षेत्र में गहने चमकाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की है। दरअसल किशनगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि वह जब घर में थी तब दो युवक घर आए और गहने चमकाने की बात कहने लगे। महिला भी उनके झांसे में आ गई और फिर हुई यह घटना। अपने सोने के गहने युवकों को सौंप दिए, जिन्होंने महिला को झांसा देकर सोने के गहने रखकर वहां से फरार हो गए और पुलिस ने भी मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं आसपास के सीसीटीवी में भी चोरों के चेहरे नजर आए हैं, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो उसको लेकर भी पुलिस काफी मुस्तैद नजर आ रही है। सर, किशनगंज थाने में धोखाधड़ी का एक थाना किशनगंज पर रिपोर्ट की कि दो युवक मोटरसाइकिल पर आए और मेरे गहने चमकाने हैं क्या, ऐसा पूछा। बाद में जब मैंने उनको गहने दिए और चमकाने के बाद उन्होंने कहा ये आपके गहने हैं, और बाद में जब मैंने अपने उसको पोटली को खोलकर देखा तो उसमें मेरा मंगलसूत्र और अंगूठी नहीं थी, जिस पर से थाना किशनगंज में अपराध कायम करके विवेचना की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम लगाई गई है। उम्मीद है जल्दी हम पकड़ लें। सर, लगातार घटनाएं हो रही हैं, यानी कोई बाहर की गेम हो सकती है? कई सारे बिंदु हैं जिन दिशाओं में पुलिस काम कर रही है। जैसा कि मैंने बताया, कुछ लीड है, हम जल्दी आरोपियों को पकड़ लें। रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।